किसानों के लिए खुशखबरी, कृषि पैकेज के प्रस्ताव को जल्द मिल सकती है मंजूरी। चुनाव से पहले मोदी सरकार किसानों को रिझाने की हर कोशिश कर रही है। किसानों को रिझाने के लिए सरकार ने एक बड़ा प्लान भी बनाया है, जिसका सरकार अब किसी भी समय ऐलान कर सकती है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार सरकार इस योजना की पूरी तैयारी कर चुकी है और 1 फरवरी को बजट से पहले इसका ऐलान होने की उम्मीद की जा रही है। साथ ही बजट में इसके लिए प्रावधान रखे जा सकते हैं। केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक सोमवार को तय थी, लेकिन किन्हीं कारणों से रविवार शाम इसे टाल दिया गया। जानिए क्या खास होगा सरकार के इस पैकेज में। प्रस्तावित पैकेज को नीति आयोग और वित्त मंत्रालय से भी हरी झंडी मिल चुकी है। इस पैकेज की खास बात यह है कि इसमें किसानों को राशि डायरेक्ट कैश ट्रांसफर के तहत सीधे खाते में डाली जाएगी। यह ओडिशा और तेलंगाना मॉडल के जैसा है। इसके अलावा कुछ खास समय तक ब्याज मुक्त 2 लाख तक का लोन दिया जाएगा। साथ ही किसानों को खास तरह का बोनस देने का ऐलान हो सकता है। सरकार की ओर से इसका ऐलान होते ही इसे अमल में लाया जा सकता है। सूत्रों के अनुसार दिल्ली में पिछले हफ्ते हुई राष्ट्रीय कार्यकारिणी मीटिंग में कई नेताओं ने शीर्ष नेताओं से आग्रह किया कि मौजूदा वित्तीय नीति में बदलाव की जरूरत है। मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव में पार्टी की हार और आम चुनाव से पहले किसानों की समस्या को बड़ा मुद्दा बनाने की विपक्षी दलों की कोशिश के बीच बीजेपी सरकार पर भी इसका दबाव बढ़ा है। कांग्रेस पहले ही ऐलान कर चुकी है कि वे आम चुनाव में पूरे देश में किसानों की कर्ज माफी का वादा करेगी। मोदी सरकार अब तक वित्तीय घाटे को नियंत्रण में रखने के प्रति बहुत सावधान रही है और कुछ हद तक इसमें सफलता भी मिलती रही है, लेकिन मेगा पैकेज के ऐलान के बाद इस पर असर पड़ सकता है। सूत्रों के अनुसार इस मेगा पैकेज पर 1 से 1.5 लाख करोड़ तक का अतिरिक्त बोझ पड़ेगा। हालांकि सरकार ने दावा किया कि इससे सरकार की वित्तीय सेहत पर कोई असर नहीं पड़ेगा। सरकार को उम्मीद है कि बहुत जल्द रिजर्व बैंक से उसे 50,000 करोड़ से अधिक का बोनस मिलेगा, जिसका खर्च वे इस राहत पैकेज पर कर सकेगी।